बड़ी खबर आपको बता दें, आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कल भी गुरुग्राम दौरे पर ही रहेंगे सीएम मनोहर। एनिमेशन मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज दोपहर 2:30 बजे गुरुग्राम विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश भर के इमाम मौलवी सीएम का आभार जताएंगे। कल राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। गुरुग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह कार्यक्रम होगा लोकार्पण और शिलान्यास का। कल शाम गुरुग्राम में जीएमडीए की एक बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता भी सीएम करेंगे। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस दौरे को, कब मुख्यमंत्री गुरुग्राम पहुंचेंगे? जी बिल्कुल नितेंद्र, मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, 3 दिवसीय दौरा था दिल्ली और गुरुग्राम का, आज दूसरा दिन है। आज गुरुग्राम में पहला दिन मुख्यमंत्री का है और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम पहुंचेंगे तो सबसे पहले गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 51 स्थित है, वहां पर मल्टीमीडिया हम बात करें तो उस लैब का आज इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद वक्फ बोर्ड और अन्य जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा एक सम्मानित समारोह रखा गया है। उस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री को भी सम्मानित किया जाएगा और वहां पर वो मुख्यमंत्री होंगे। और कल की मैं बात करूँ, मंत्री गुरुग्राम में ही रहेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत पूरे हरियाणा में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे तो वहीं पर उद्घाटन भी करेंगे। और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो उसके बाद जीएमडीए की एक बैठक रखी गई जिसमें कि गुरुग्राम जीएमडीए के तमाम जो आला अधिकारी हैं उस बैठक का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ गुरुग्राम में किस तरीके से विकास कार्य और बढ़े और किस तरीके से गुरुग्राम में विकास किए जाए उनको लेकर कल एक चर्चा रखी गई और उस मीटिंग की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। जी लेकिन आज के कार्यक्रमों की अगर बात करें तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और वक्फ बोर्ड का जो अभिनंदन समारोह है उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जाएंगे, इसके बारे में और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया है वहाँ क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से आज हम वक्फ बोर्ड की जो मांग, यानी कि मुस्लिम समुदाय की जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको लेके मांग चली आ रही है तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने उनको एक काफी बड़ी राहत दी थी और उसी के बाद आप मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह किया जा रहा है। और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के जो मंत्री और जो विधायक है या फिर सोशल वर्कर उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में तमाम वो बड़े नेता होंगे, बड़े अधिकारी होंगे जो मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हम बात करें हरियाणा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अलग अलग पहचान बना चुके हैं और समाज के लिए प्रति कुछ अच्छा किया है, उनको तमाम लोगों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री को भी आज उस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के साथ साथ अन्य जो हम बात करें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी आज मुख्यमंत्री को सम्मानित करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं गुरुग्राम में मुख्यमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें एनिमेशन मल्टीमीडिया जो लैब है उसका भी उद्घाटन करेंगे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, लोग जो बच्चे उनको भी कहीं ना कहीं उससे सीधा सीधा लाभ मिलेगा।